अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान खान, इंडिया हैदराबाद दक्कन से। काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक भाई के जो है लॉफ्ट पे आया हूँ, जो काफ़ी अच्छे कबूतर है। इंशाल्लाह आपको शौक भी कराऊँगा और सेल के हैं वो भी बताऊँगा और आपको पसंद भी आएगा। ये लॉफ्ट देखिए, ये पीछे उनका लॉफ्ट है। इंशाल्लाह एक एक आपको बताऊँगा, ज़रूर इंजॉय करिए। बहुत टाइम के बाद वीडियो आई है भाई, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लॉफ्ट में इनके काफ़ी सारे कबूतर भी है। चलो ये देखिए सेटअप, ये देखिए भाई काफ़ी सारे कबूतर। ये ब्रीडिंग सेटअप बना हुआ है इनका नीचे। एक मिनट, और यहाँ पर जो है ये देखिए पानी का सिस्टम है और यहाँ पर बैठने के लिए है। यहाँ पर भी ब्रीडिंग सेटअप है, ये देखिए। इंशाल्लाह जो है जो एकदम इसमें से काफ़ी पूरे तो नहीं बता सकते, सेलेक्टेड कबूतर बताऊंगा जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। ये एक तारा कबूतर है भाई, इसकी आँख बताऊंगा काफ़ी दिलचस्प है, ये देखिए। ये देखिए इसकी आँख है, काफ़ी दिलचस्प आँख है भाई। ठीक है, पर भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए इसकी पर की बनावट है। ये देखो भाई, ये इसके पर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और दूसरे कबूतर भी बताऊंगा। ये और एक कासनी कबूतर है, कलसरा कासनी कबूतर, इसकी भी काफ़ी बढ़िया आँख है और अच्छी क्वालिटी में है, ये देखिए। उस तरफ की आँख भी वैसे ही है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, पर भी अच्छे हैं भाई। थोड़ा खोल के बता रहे हैं इसको, ये देखिए इस तरह है पर इसके। कलर भी बढ़िया है, कबूतर भी छोड़ के बताऊंगा आपको। ये रहा कबूतर, देखिए भाई दुम काटी हुई है इसकी, ये कलर है इसका। ये एक चीना कबूतर है भाई हरे में, और अच्छी बढ़िया क्वालिटी में है, काफ़ी बढ़िया है कबूतर ये। उसकी आँख भी बताऊंगा आपको, ये देखिए इसकी आँख की क्वालिटी और इसकी चोंच अच्छी क्वालिटी में है, ठीक है भाई। और एक ये पैर है वाइट में, इसकी भी आँख क्वालिटी बढ़िया है। ये फीमेल है, इसका मेल भी बताऊंगा भाई, ठीक है। और इसको छोड़ के भी बताऊंगा। ये रही भाई, ये मादी है जो आपको बताया, टैग वाली है, अच्छी क्वालिटी में है। और ये उसका नर है जो बता रहा हूँ, ये देखिए ये पैर है, ठीक है भाई। इसकी भी आँख अच्छी है, बढ़िया क्वालिटी में है, ये देखिए। इसको छोड़ दो। ये वो पेड़ है भाई, ये देखो, चलिए दूसरा पेड़ बताता हूँ। ये कबूतर है भाई, और ये भी अच्छी क्वालिटी में है। इसका आई क्लोजअप बताऊंगा सिर्फ, ये देखिए बढ़िया क्वालिटी में है, ठीक है भाई। और एक बताऊंगा कबूतर, ये देखिए ये भी एक कबूतर है, ये भी अच्छी क्वालिटी में है। आँख, चोंच, इसकी नाक, काफ़ी सारी चीज़ों को गौर करिए पॉइंट्स ऑफ, काफ़ी अच्छे में है।
इसलिए काफ़ी टाइम के बाद इसलिए बनाया क्योंकि कबूतर बहुत पसंद आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, तो इसलिए वीडियो शूट कर लिया। ठीक है भाई, इंशाल्लाह और कुछ है तो बताऊँगा आपको। ये कबूतर भी बहुत पसंद आया भाई मेरे को। ठीक है, तो देखिए आप ज़रूर शौक करिए और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और इसका क्लोज़अप अच्छे से देखिए, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये। पूरे वाइट में है और काफ़ी अच्छी चोंच क्वालिटी में है, साइज़ भी अच्छा है। और एक कबूतर है देखिए भाई, ये भी बढ़िया क्वालिटी में है। मैं जितने भी वीडियोस अब तक बनाया हूँ पूरे कबूतर को बनाया हूँ, लेकिन स्पेशली मैं ये सोच रहा था कि आज जो वीडियो बनेगी ख़ास तौर से आई क्लोज़अप पे बनेगी, इसलिए आज वीडियो जितने भी है आई क्लोज़अप पे ही बता रहा हूँ। ठीक है भाई, कुछ कबूतर जो अच्छे लगे उनको छोड़ के भी बता रहा हूँ। ये खरे में कबूतर है भाई, ये भी काफ़ी अच्छी है क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी है। इंशाल्लाह देखेंगे इसको, बताऊंगा मैं। ये देखिए अच्छी क्वालिटी में है, सिंगल पेयर है, शायद में पेयर है इसका, सिंगल ही है। और एक भी है, ये भी एक कबूतरी है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। ये कबूतर है भाई, लास्ट कबूतर है, ये भी अच्छी बढ़िया क्वालिटी में है। ये देखिए इसके रिंग, इसकी पलक, इसकी चोंच काफ़ी बढ़िया है कबूतर। ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए और कैसी लगी बताइए वीडियो। ठीक है भाई, अलविदा, अल्लाह हाफिज़।